हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आई होप आपने कन्वर्जन अब तक कर लिया होगा और डोमेस्टिक इनकम नेशनल इनकम के बीच में डिफरेंस भी आपको पता लग गया होगा। डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम का यूज़ कैसे होना है आगे हम इस वीडियो में या नेक्स्ट वीडियो में आपको, और जो वीडियो हमने बनाई है उसके हेल्प से हमें बहुत क्वेश्चन करने में मदद मिलेगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रोडक्शन मेथड, आपने मेरी पहले वाली वीडियो तो देखी होगी जब मैंने प्रोडक्शन मेथड की वीडियो बनाई थी, वो वीडियो जरूर देखिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको अच्छी तरीके से, जिन बच्चों ने प्रोडक्शन मेथड नहीं समझा है या अभी तक, जैसे मैंने हर वीडियो में बोलता हूँ कि अपनी गाड़ी स्टार्ट नहीं करी है, जिन्होंने रिसेंटली में अपनी गाड़ी स्टार्ट करी है उनके लिए भी बहुत अच्छा मौका है अच्छी तरीके से उसको जानने का। जस्ट छोटी सी वीडियो में बना रहा हूँ जस्ट फॉर क्विक रिव्यू रिविजन के लिए। तो ये आइए स्टार्ट करते हैं प्रोडक्शन मेथड। प्रोडक्शन मेथड देखिए बेटा, एक बात गौर करिएगा, हमने कन्वर्जन में देखे थे बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं जैसे जीडीपी एमपी, जीडीपी एफसी, एनडीपी एमपी, एनडीपी एफसी और एनएनपी एमपी, एनएनपी एफसी, बहुत सारे हमारे ऐसे वेरिएबल्स थे। तो जैसे मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि मेन फर्क क्या होता है, जैसे हम कोई भी नेशनल इनकम प्रोडक्शन मेथड से कैलकुलेट करें या इनकम मेथड से करें या एक्सपेंडिशन मेथड से करें, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि उसका फर्स्ट स्टेप जानना। फर्स्ट स्टेप क्या है, जैसे कई बच्चे जानते हैं, जो बच्चे नहीं जानते उनको बता देता हूं कि प्रोडक्शन मेथड से सबसे पहला स्टेप है नोइंग ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, जीडीपी एट एमपी, जिसको हम ग्रॉस वैल्यू एडेड भी बोलते हैं। जिस जीवीए मीन्स ग्रॉस वैल्यू एडेड, जिसको निकालने के दो तरीके होते हैं बेटा। सबसे पहला वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजप्शन। वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजप्शन। वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या होती है, कितने की, जो भी हम जिस भी चीज की भी हम गणना कर रहे हैं, जिसकी भी चीज की हम उसका कंट्रीब्यूशन देख रहे हैं नेशनल इनकम में, तो उसकी वैल्यू ऑफ आउटपुट मतलब उसका आउटपुट की वैल्यू क्या है बेसिकली। जैसे फॉर एग्जांपल इस मार्कर का हमने नेशनल इनकम में इसका कंट्रीब्यूशन देख रहे हैं, तो इसकी वैल्यू ऑफ आउटपुट कितनी है। अगर मैं बोलूं 25 रुपीज इसकी वैल्यू ऑफ आउटपुट है, तो इसमें से इसका वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजप्शन माइनस कर देंगे, मींस वैल्यू ऑफ जो भी इसकी वैल्यू रॉ मटेरियल को यूज करने में लगी हुई है, इसमें जो रॉ मटेरियल लगा होगा, इसका जो इनपुट लगा होगा, इसका जो इंटरमीडिएट कंजप्शन लगा होगा, उसके उस वैल्यू को इसके वैल्यू ऑफ आउटपुट में से माइनस कर देंगे, तो हमें एक्चुअली में क्या पता लग जाएगा, हमें पता लग जाएगा जीडीपी एट एमपी, या हम उसको टेक्निकली भाषा में बोले तो ग्रॉस वैल्यू एडेड, कितनी वैल्यू एड हुई है। आपको याद होगा मैंने प्रोडक्शन मेथड में आपको 10 बार बताया है कि प्रोडक्शन मेथड में हमेशा हम वैल्यू एडेड देखते हैं। देखिए फिर से समझ लीजिए, मान के चलिए मार्कर बना है, इस मार्कर का हम वैल्यू एडेड ऐड करेंगे, इसकी टोटल वैल्यू एड नहीं करेंगे। पहले मैं बताता हूं वैल्यू एडेड होता क्या है, और फिर मैं आपको यह भी बताऊंगा कि वैल्यू एडेड क्यों एड करते हैं, आप समझ लीजिएगा। जैसे मान के चलिए वैल्यू ऑफ आउटपुट इसकी मार्कर की 25 रुपीज है, और इसको बनाने में जो प्लास्टिक, इंक, जो भी अगलम सगलम जो भी इनपुट यूज हुआ है, वो इनपुट जो है उसकी वैल्यू इसके में से माइनस कर देनी है, तो एक्चुअली में हमें पता लग जाएगा कि वैल्यू एडेड कितना निकला, कितना वैल्यू एडेड हुआ है, मतलब कितनी वैल्यू एड हुई है। मींस इसके वैल्यू ऑफ आउटपुट में से 25 रुपए में से, फॉर एग्जांपल इसको बनाने में अगर 15 रुपीज की कॉस्ट आई हो, एज अ इंटरमीडिएट कॉस्ट आई हो, रॉ मटेरियल के में खर्चा आया हो, इसके इनपुट में जितना भी खर्चा आया हो वो 15 रुपए का फॉर एग्जाम्पल, तो उस 25 में से 15 रुपीज माइनस कर दीजिएगा, तो जो 10 वैल्यू आएगी वो वैल्यू एडेड है, तो इसकी टोटल वैल्यू एड नहीं होनी है। ये नहीं कि जितने का प्रोडक्शन हुआ है चलो एड कर दो। अब दूसरा पॉइंट इसका यह है कि वैल्यू एडेड हम एड क्यों करते हैं, हम इसको इसका फाइनल गुड एड क्यों नहीं करते। उसके लिए मैं अब तो आपको बता रहा हूं, साथ में मेरी वाली वीडियो भी देखिएगा जिसमें मैंने आपको, मैं उसको लिंक भेजूंगा आपको, कि जिसमें मैंने ये बता रखा है कि मेथड्स टू अवॉइड डबल काउंटिंग, डबल काउंटिंग क्या होती है और कौन कौन से मेथड्स होते हैं उसको अवॉइड करने के, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि क्यों वैल्यू, उसमें बताया हुआ है मैंने क्यों वैल्यू एडेड मेथड ही ज्यादा यूज होता है। अब मैं आपको बेसिकली ये बता देता हूं कि ये मेथड यूज क्यों हुआ है, छोटा सा एक रिविजन के रूप में मैं आपको बता देता हूं
क्योंकि बेटा आप समझिए कि जो प्लास्टिक इसमें यूज हुई है, जो इंक इसमें यूज हुई है, उसकी वैल्यू तो ऑलरेडी नेशनल इनकम में ऐड हो गई है। अगर जैसे मान के चलिए प्लास्टिक जब बना होगा, जिस फैक्ट्री में प्लास्टिक बना होगा, जब ये प्लास्टिक मार्केट में जैसे ही आया है, बना है, प्रोड्यूस हुआ है, ये तुरंत उसकी वैल्यू ऐड कर दी गई है नेशनल इनकम में। अब आप खुद सोचिए, जब हम 25 रुपए दोबारा इसमें ऐड कर देंगे तो जो प्लास्टिक की वैल्यू ऑलरेडी ऐड हो गई है वो दोबारा ऐड नहीं हो जाएगी। और नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते समय में ये बात ध्यान रखिएगा कि सिर्फ एक ही बार वैल्यू ऐड होनी चाहिए। इफ वैल्यू इज काउंटेड मोर देन वंस, मे बी ट्वाइस और थ्राइस और मे बी फोर टाइम, देन इट इज नोन एज डबल काउंटिंग। और डबल काउंटिंग एक बहुत बड़ा एरर है नेशनल इनकम को मेजर करने का, जो हमें नहीं करना चाहिए। तो इसलिए वैल्यू एडेड मेथड यूज होता है कि जो भी इनपुट इसमें यूज हुआ है वो जिस समय वो प्रोड्यूस हुआ होगा उस समय ऐड हो गया होगा, अब जो नया हो रहा है प्रोडक्शन उसको ऐड करना है हमें, तो इसलिए उसको बोलते हैं वैल्यू एडेड। फॉर एग्जाम्पल जैसे शुगर प्रोड्यूस हुई है, शुगर जो प्रोड्यूस हुई है वो शुगर, यही एग्जाम्पल मैंने आपको उसमें भी दिया था जब मैंने डबल काउंटिंग की आपको वीडियो बनाई थी, कि जब शुगर केन प्रोड्यूस हुई होगी तो शुगर केन की वैल्यू तो ऑलरेडी ऐड हो गई होगी। अब जब शुगर जब प्रोड्यूस हुई है तो उसमें शुगर में से शुगर केन की वैल्यू माइनस कर दी गई है, कर दी जाती है, जिससे हमें एक्चुअली में वैल्यू एडेड की वैल्यू पता लग जाती है। इसलिए वैल्यू एडेड मेथड यूज होता है। अब ये हमारा मेथड है, फॉर्मूला है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजप्शन। और इसका एक तरीका और है, इसको हम सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक माइनस परचेजेस, सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक माइनस परचेजेस, ये भी एक तरीका होता है किसको करने का, वैल्यू एडेड मेथड से ग्रॉस वैल्यू एडेड निकालने का या जीडीपी एड एमपी को निकालने का, सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक माइनस परचेजेस। आइए जल्दी से एक इस टाइप का और एक इस टाइप का क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर आपको मैं कुछ क्वेश्चन दूंगा और आपके पास आई होप क्वेश्चन तो होंगे पहले वाले भी मेरे, तो जल्दी से उसको करिएगा, कोई डाउट होता तो मुझसे पूछ लीजिएगा। अब देख सकते हैं आपने दो क्वेश्चन है, एक वैल्यू ऑफ आउटपुट वाला है और एक सेल्स वाला है। आइए जल्दी से करते हैं इन क्वेश्चनों को। देखिए सबसे पहले पूछ रहा है जीडीपी एट एफसी। हम जानते हैं प्रोडक्शन मेथड से हमारा सबसे पहले निकालना क्या है हमें, जीडीपी एट एमपी। तो आइए सबसे पहले हम निकालते हैं जीडीपी एट एमपी, जो हमें पता है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजप्शन निकाल के निकलेगा। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या है यहाँ पर, वैल्यू ऑफ आउटपुट इज 100, वैल्यू ऑफ आउटपुट इज 100 एंड वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजप्शन आप देख सकते हैं, वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजप्शन हमारी कितनी है 30। तो ये हो गई हमारा वैल्यू, आ गई 70 आ गई हमारी जीडीपी एट एमपी, जीडीपी एट एमपी। और हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है जीडीपी एट एफसी, जो हम कैसे निकालेंगे, कन्वर्जन वाली वीडियो आपको याद होगी, आप तो अब तक परफेक्ट हो ही गए होंगे। तो हमें क्या करना है, जीडीपी एट एमपी में से, जीडीपी एट एमपी में से हमें क्या करना है, एफसी बनाने के लिए आपको याद होगा नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस करना है। और नेट इनडायरेक्ट टैक्स कैसे निकलता है, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज, जो कितना निकला है 20 माइनस 5 कितना हो गया 15। तो एनआईटी हमारा कितना है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स है हमारा 15, याद रखिएगा। और जीडीपी एट एमपी हमारा कितना है, वो हमारा है 70। तो ये हो गया 70 माइनस 15, वैल्यू आ गई हमारी 55। तो हमारा आंसर आ गया 55, जो क्या निकला है हमारा, जीडीपी एट एफसी। अब आप सोच रहे होंगे नए बच्चे का डेप्रिसिएशन का इसमें यूज नहीं हुआ है, तो जरूरी नहीं है, जितने भी कंपोनेंट हमें दे रखे हैं सबका यूज होगा, कुछ कंफ्यूजन के लिए भी दे रखी होगी। डेप्रिसिएशन का यूज तब होता जब यहां पर एन पूछ रहा होता, नेट पूछ रहा होता, मींस नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट पूछ रहा होता, मगर नहीं पूछ रहा तो हमें उसका कोई यूज ही नहीं है। आइए आप करते हैं ये वाला क्वेश्चन, सेल्स वाला। इसमें ग्रॉस वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट पूछ रहा है। ग्रॉस वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट का मतलब क्या है, इसका मतलब यही है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो अगर यहां पे सिर्फ ग्रॉस वैल्यू एडेड पूछा जाता तो उसका मतलब होता है ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, इसका मतलब क्या हो गया, जीडीपी एट एमपी। मगर यहां फैक्टर कॉस्ट पूछ रहा है तो वही स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें निकालना क्या है, जीडीपी एट एमपी। क्वेश्चन कुछ भी पूछे हमें सबसे पहले अपने फॉर्मूले के हिसाब से ही चलना है। जीडीपी एट एमपी के लिए सबसे पहले क्या है, सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक माइनस परचेजेस। तो सेल्स क्या है, देखिए सेल्स इज 500 प्लस क्लोजिंग स्टॉक क्या है, क्लोजिंग स्टॉक इज 20 माइनस ओपनिंग स्टॉक क्या है,
ओपनिंग स्टॉक इज 30 एंड परचेसेस। देखिए बेटा यहाँ पे दो टाइप की परचेसेस दे रखी है, यहाँ पे दो टाइप की परचेसेस दे रखी हैं। अब यहाँ पे कौन सी परचेसेस माइनस करनी है? अब आप देख सकते हैं परचेसेस ऑफ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स, तो ये है। अब यहाँ पे दूसरी टाइप की परचेसेस है, इसको कहते हैं परचेसेस ऑफ मशीनरी। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि रॉ मटेरियल की परचेसेस ही माइनस होती है, परचेसेस ऑफ मशीनरी जो है इज अ कंपोनेंट ऑफ एक्सपेंडिचर मेथड। ये एक्सपेंडिचर मेथड का कंपोनेंट है, ये ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन का कंपोनेंट है, ये प्रोडक्शन मेथड का कंपोनेंट नहीं है। इसमें सिर्फ कच्चा माल वाली चीजें ही माइनस होती हैं, मशीनरी की जो एसेट्स जो सालों साल ड्यूरेबल गुड्स हैं, जो सालों साल यूज हो रही हैं, वो माइनस नहीं होती। तो कौन सी परचेजेस माइनस होती? परचेजेस ऑफ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स के नाम से हो या परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल के नाम से हो, परचेजेस ऑफ मशीनरी के नाम से कभी भी माइनस नहीं होगी प्रोडक्शन मेथड में, गौर करिएगा। तो यहां पर कौन सी परचेजेस हो गई? परचेजेस ऑफ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, ये हो गया हमारा। तो देख सकते हैं क्या निकला है हमारा, 500 माइनस 300 200, 200 माइनस 10 दिस इज 190, ये हो गया हमारा 190। अब हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है ग्रॉस वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। इसका मतलब क्या है? जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, जो कैसे निकलेगा? जीडीपी एट मार्केट प्राइस में एनआईटी माइनस करके, नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस करके। अब आप गौर करिएगा जीडीपी एट एमपी कितना है हमारा? जीडीपी एट एमपी इज 190 और माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। नेट इनडायरेक्ट टैक्स की वैल्यू कैसे निकालते हैं? इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। अब इनडायरेक्ट टैक्स इसमें देखिए कुछ है? कुछ नहीं दे रखा, तो हम क्या मान लेंगे? जीरो मान लेंगे इसे, उसे हमने जीरो मान लिया। जीरो माइनस सब्सिडी, सब्सिडी कितनी दे रखी है? सब्सिडीज 40, सब्सिडीज 40। अब आप देख सकते हैं ये माइनस माइनस जाके प्लस हो जाएगा, तो 190 प्लस 40 कितना हो गया? 230 will be the answer। तो ये हो गया हमारा gross value added at factor cost sales वाले तरीके से। I hope आपको समझ में आ गया होगा। अब जल्दी से कुछ क्वेश्चन घर पे कर लीजिए, कोई डाउट होता है तो बिल्कुल मुझसे पूछ लीजिएगा। आज के लिए इतना ही है, थैंक यू।